हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एसएसबी के जो ट्रेड्समैन के फॉर्म आए थे वो अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको मैं पूरा फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपके कुछ ही स्टेप रह जाएंगे और आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में भर सकते हैं ये फॉर्म। मोबाइल में आपको अपने ब्राउज़र में चले जाइए, ब्राउज़र में आप टाइप कीजिए SSBRECTT.in। जैसे आप ये टाइप करेंगे SSBRECT.gov.in पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये SSB की जो साइट मेन साइट है उसके ऊपर लेके चला जाएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का जो क्लिक ब्लिंक कर रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अभी इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 29 तारीख से शुरू हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, और इसको 27 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट दे रखी है। अभी हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे राइट साइड में। अभी यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ दे रखी हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, ये चीज़ें ध्यान से रखना है। यदि आपको फॉर्म भरने की डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे चले जाइए, पहले कैंडिडेट कॉर्नर में यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट और हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इन दोनों फाइल्स को आप यहाँ पे क्लिक कर लेना और इनको आप डाउनलोड कर लेना। इनको अच्छे से पढ़ के देखना, इसमें क्या क्या डिमांड कर रखी, मतलब उन्होंने कैंडिडेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, मतलब एक्सपीरियंस से रिलेटेड या फिर क्वालिफिकेशन, वो आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। और ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने वाली भी यहाँ से मिल जाएगी आपको। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ ऊपर, जैसे हम सारी चीज़ करने के बाद हमें जैसे फॉर्म फिल करना है अब, तो हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, रजिस्ट्रेशन डिवीज़न पे, रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। फिर सबसे पहले आपको क्या भरना है, आपको पोस्ट भरनी है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ का ध्यान रखना, ये लगभग जो भी आप इसमें पोस्ट दे रखी है या तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए 2-3 साल की। तो यहाँ पे मैं अभी ड्राइवर का आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, हम चेंज भी कर देंगे, दूसरे का भी मैं भर के दिखा दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम फिल कीजिए, इसके बाद फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से भरना है, ये सभी डिटेल्स। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी, इसके बाद रीजन, रिलीजन आपको जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी रिलीजन आपका, इसके बाद आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी भरनी है बीसी ओबीसी, लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो भी कैटेगरी आप भर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछ रहा है, ये आप मतलब ये जो कम्युनिटी दे रखी इन्होंने, इनसे आप गोरखा या डोंगरा, इनसे आप मराठा, जिनसे आप बिलोंग करते हो कि नहीं, नहीं करते तो नो पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ कि आप गुजरात राइट में रहे हो क्या 2002 में, नहीं, एक्स सर्विस मैन हो क्या, नहीं, या वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट, मतलब आप इस डिपार्टमेंट से हो क्या, वो भी आप मैं नहीं कर दे रहा हूँ। आप कौन सी आईडी यहाँ पे देना चाहोगे फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे मैं जैसे या तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर दो या वोटर कार्ड सेलेक्ट कर दो, मैं वोटर कार्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद योर आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो नंबर डाल दो आप आइडेंटिटी कार्ड का, जो भी नंबर आपका।
वोटर कार्ड जो मैंने डालना है उसका नंबर डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना पड़ेगा। जैसे मैं भर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने भर दिया है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको 10th के बोर्ड का नाम भरना पड़ेगा पहले कॉलम में। उसके बाद आपने किस ईयर में 10th का बोर्ड का या स्कूल का भी नाम भर सकते हो। दूसरे वाले में आपको ईयर ऑफ एग्जाम, मतलब आप किस ईयर में आपने पास की थी 10th। इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर भी सर्टिफिकेट पे रहता है वो नंबर भरना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू एंड सब्जेक्ट और एग्रीगेट परसेंटेज आपकी क्या थी, तो मैं ये सारे यहाँ पे भर देता हूँ। रोल नंबर भी भर दो, अपनी सर्टिफिकेट में देख के भरना आपको सर्टिफिकेट नंबर भी। डेट ऑफ इशू आपको जो जिस डेट में आपकी सर्टिफिकेट इशू हुई है वो डेट आपको भरनी है। इस तरह से सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो सभी भरने हैं इसमें। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कोमा कोमा लगा के आपको सारे सब्जेक्ट इसमें फिल कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी परसेंटेज भरनी है, कितनी आपकी परसेंटेज आई थी मार्क्स में। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे चले जाइए असेंशियल क्वालिफिकेशन में। असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देखो, यदि आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपसे दो चीज़ मांग रहा है ये। मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए, उस वो आप हो या नहीं उसके लिए पूछ रहा है, और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं वो उसके बारे में पूछ रहा है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, यदि आप दूसरी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ से ऊपर से इसको पोस्ट को चेंज करोगे तो यहाँ पे आपका ये डाटा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं वेटनरी का करके दिखाता हूँ। वेटनरी वाले में देखो, अभी आपसे ये देखो, यहाँ पे दूसरी चीज़ मांग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे देखो, नीचे वाले दूसरे वाला जो कॉलम दे रखा है इसमें देखो, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसिस एनिमल इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, मतलब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है ये। ठीक है, तो आपको जैसे दूसरी और भी ट्रेड के लिए आप चेक करोगे तो आपको अलग अलग ट्रेड के लिए आप यहाँ पे मांग रखा है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको आगे की डिटेल भर के दिखाता हूँ, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे इसको भरने के बाद। अभी हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, इसमें आपको क्या करना है, आपका अपना एड्रेस भरना है। इसके बाद नीचे इसके पोस्ट ऑफिस का भरना है आपका कौन सा है।
इसके बाद आपकी तहसील भरनी है, इसके बाद आपका पुलिस स्टेशन भरना है। आप अपने भरते जाना, जैसे आप जो भी आपका पड़ता है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको स्टेट, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। ये भरने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको बीच में दे रखा है, राइट साइड वाले में भरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सेम है तो, यदि अलग है तो आपको भरना है, ठीक है। ये मैं, मेरा सेम है तो मैं सेम पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन, कि आपको देखो यहाँ पे आप नो नो कर देना। वैसे इनमें ये पूछ रखा है कि आप कहीं भी मतलब अपीयर हो इस टाइम में एग्जाम में, या बैन हुए हैं आप, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगा है, ठीक है, तो या फिर अरेस्ट हुए हो, आपसे ये इस टाइप से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ये इन पे, मेरे लिए ये सारे नो ही हैं तो मैं इन पे नो क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करना है। आप कोई भी पासवर्ड आप अपना जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड भी अपना जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे आपको ये दोनों जो चेकबॉक्स हैं, आई हैव अप्लाइड ओनली फॉर दिस पोस्ट, और नीचे वाले जो ये डिक्लेरेशन है, इस पे भी आपको करके और प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे, आपका फॉर्म प्रीव्यू के लिए आपके पास आ जाएगा। आपका फॉर्म मतलब जो भर गया है, आपको एक बार डिटेल्स को चेक करना है। आपको डिटेल्स अच्छे से चेक करने के बाद यदि आपको लगे कि आपने कुछ गलत भरा है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिट का दिखाता हूँ आपको। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये एडिट डिटेल्स जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, उस पर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, यदि आपको कुछ लगे कि आपने कुछ गलत भर दिया है, ठीक है। यदि आपने सब कुछ सही भरा है, तो ये दोनों चेकबॉक्स हैं, इन पर आप फिर से क्लिक कीजिए, और जो ये कैप्चा दे रखा है, ये आप इस पर बॉक्स में भर दीजिए। ये भरने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, कन्फर्म कर दीजिए इसको। ये करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपका आ गया है। अभी यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अब ये फ्रेंड्स, ये फोटो अपलोड करने के लिए आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो आप एक बार देख लीजिए, उसमें फ़ोटो में क्या क्या कंडीशन मांग रखी है, उसी हिसाब से आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। उसी हिसाब से जैसे फ़ोटो अपलोड करने के लिए इसके नीचे जो ये चूज फाइल कर रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी फ़ाइल जहाँ पे भी है, आप वहाँ से इसको पिक कर लीजिए और इसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको सिग्नेचर का करना है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और इसी तरह से आपको अपनी सर्टिफिकेट का भी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका, यदि आप ड्राइविंग से भर रहे हो तो आपका ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो लगा दीजिए, दोनों को PDF में बना के। और आप जैसे मैंने यहाँ पे वोटर आईडी में भर रखा था, अपलोड आइडेंटिटी में, तो यहाँ पे मेरे को वोटर आईडी का वो भरना पड़ेगा। यदि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे तो आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने OBC सेलेक्ट किया था कैटेगरी, तो यदि आपकी कैटेगरी दूसरी है तो आप वो अपनी सेलेक्ट करके आपको अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे करोगे तो थोड़ी देर का टाइम लेगा ये अपलोड होने में, और आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और यदि आपकी फ़ीस अप्लीकेबल है तो आपको फ़ीस के, जैसे मेरे OBC के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी पड़ेगी इसके बाद, तो उसके ऊपर ये लेके जाएगा। और ये जैसे फ़ीस पे करूँगा, ये करने के बाद देखो ये मेरा फॉर्म फिल हो गया है। फ़ीस पे करने के बाद आपका इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा, उसका आप अपना एक उसको डाउनलोड करके आप उसको PDF को सेव कर लेना और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।